हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड आई एम वेलकमिंग यू एट माय चैनल आरके गौरव अट्टल। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.1 का फिफ्थ सम यहां पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या क्वेश्चन दिया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1, क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, तो जैसे सम नंबर फोर्थ में दिया था तो हम लोगों को कुछ ऐसा दो टर्म्स दिए थे, मतलब दो टर्म्स मतलब cosec और sec दिया हुआ था, तो हम लोगों ने वो सॉल्व कर दिया था। बट यहाँ पे खाली tan theta is equal to 1 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको किस तरीके से अराइव होंगे वो अब हमको सोचना पड़ेगा। तो हमारा वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, क्या है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan का वैल्यू 1 कब आता है वो हमको याद करना है। तो वो हमारा आता है tan 45 में, बराबर। तो यहां से हम लोगों को एक क्लू मिला, बट हम लोग ये कैसे करेंगे, sin थीटा plus cos थीटा plus sec थीटा plus cosec थीटा। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को धीरे 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 अभी इसको सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पहला क्लू तो हाथ में लग चुका है, क्या है वो, tan थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है, जब tan थीटा क्या होता है 45। तो हम लोग यहाँ पे वो तो लिख देते हैं, तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। बट अब क्या करूंगा मैं अगले स्टेप में, तो वो मुझे लिखना है यहाँ पे, तो क्या करता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू 45 और ब्रैकेट में मैंने क्या लिखूंगा, सिंस tan 45 इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 45 हम लोगों को समझ में आया, बट अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, क्या है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, उसको हम अब यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या है ये, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये sec square theta is equal to, ये नंबर 1 है, तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 1 द होल स्क्वायर, तो sec square theta is equal to कितना आ गया, ये 2, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, sec theta is equal to इसको रूट में लगा दूंगा मैं, तो अगले स्टेप में क्या हो गया, ये रूट 2 बन चुका है फाइनली। अब हम लोगों ने देखो सक्सेसफुली यहाँ पे sec का वैल्यू ढूंढ लिया है। अब हम लोगों को जैसे बेसिक बेसिक हम लोगों को पता है sec किसका रिवर्स होता है भाई, तो cos का, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, cos theta is equal to क्या लिखूंगा मैं, 1 upon सॉरी ये क्या आएगा, एक मिनट, ये ऐसा है ना, sec theta is equal to 1 upon cos theta, बराबर। ये तो ये हुआ sec theta is equal to 1 upon cos theta, बट वैसे ही हम लोगों को क्या करना है, cos theta यहाँ पे लाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, cos theta is equal to 1 upon sec theta, तो क्या हो जाएगा ये, इसका रिवर्स हो जाएगा, तो cos theta is equal to, ये root 2 ऊपर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 upon root 2। तो अब देखो फाइनली हम लोगों ने क्या किया, cos का वैल्यू भी ढूंढ लिया। अब हम लोगों ने देखो यहाँ पे हमारा हिंट जा रहा है अब इस फॉर्मूले पे, इससे हम लोग क्या करेंगे अब दोस्तों, sin का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या करेंगे अब हम लोग इसका, sin का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकेंगे। तो यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या है वो, sin square theta plus cos square theta is equal to 1, ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, तो sin theta plus ये हो जाएगा 1 upon root 2 the whole square is equal to 1। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, sin square theta is equal to 1 upon root 2 into root 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक मिनट, equal to ले लिया ना हम लोगों ने, तो 1 लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, और माइनस क्या लिखूंगा मैं, 1 upon 2, root 2 क्या हो जाएगा, root 2 into root 2 will become 2, तो
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा फाइनली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 × 1 = 2 − 1/2 तो क्या हो जाएगा भाई ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 − 1 = 1/2 अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग साइन थीटा लिख देंगे और इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में डाल देंगे तो ये कितना आ गया हमारा फाइनली √1/2 आ चुका है तो अब दोस्तों ध्यान दो तो क्या क्या आ चुका है हम लोगों को इसमें से साइन का वैल्यू आ चुका है फिर अब हम लोगों ने कॉस का वैल्यू भी यहाँ पे ढूंढ लिया था बराबर और सेक का वैल्यू भी ढूंढ लिया था अब रही बात हमारी कोसेक थीटा की किसके कोसेक थीटा की तो कोसेक थीटा हमारा क्या रहेगा दोस्तों तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट तो ये क्या हो जाएगा कोसेक हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों √2 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसको लिख देना पड़ेगा क्या कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2 सिंस क्या है यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin θ है ये ठीक है ना तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया अब हम लोग फाइनली ये इक्वेशन को यहाँ पर कॉपी करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या करूंगा भाई मैं सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा साइन थीटा कितना है भाई √1/2 प्लस कॉस थीटा कितना है 1/√2 ठीक है तो ये हो गया हमारा ये क्या किया मैंने ये देखो एक मिनट रुको ये 1 का स्क्वायर ये जो मैंने रूट लगाया है ना ये यहाँ पे गलत लग गया है हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे 1/√2 लिखना है क्या लिखना है भाई 1/√2 तो आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं रहे इसके लिए मैं ये यहाँ पे पहले थोड़ा मिस्टेक किया था ताकि आपको समझे आपको क्या करना है मालूम है ये जो स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है भाई 1 होता है का कोई स्क्वायर नहीं होता है इसके लिए खाली यहाँ पे रूट आएगा देखो यहाँ पे हम लोगों ने किया था ना पहले ही कर दिया था मैंने बट यहाँ पे मैंने जानबूझ के मिस्टेक किया था ताकि आपको मैं यहाँ पे समझा सकूं तो क्या हो जाएगा ये 1/√2 समझा यहाँ पे ये √2 क्यों आया है क्यों क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होता है 2 का कोई स्क्वायर नहीं होता इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे रूट लगाया है तो अब sec थीटा कितना है भाई sec थीटा कितना है हमारा किधर गया वो sec थीटा हमारा कितना है √2 है तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या √2 और cosec थीटा कितना है हमारा √2 है तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या लिखा है भाई √2 को लिख दिया फिर उसके अगले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है तो जरा ध्यान दो तो ये √2 हमारा कॉमन है तो वी कैन एड इट हम लोग क्या कर सकते हैं इसको एड कर सकते हैं और ये होल डिवाइडेड बाय क्या है ये हमारा 2√2 + √2 विल बिकम 2√2 क्या बनेगा ये हमारा 2√2 ठीक है तो अब अगले स्टेप में क्या लिखूंगा मैं 1 + 1 विल बिकम 2 और ये √2 अपॉन क्या आ जाएगा ये 2√2 समझा ये यहां तक ठीक है तो अब अगले स्टेप में हम लोगों को यहाँ पे किसी को किसके साथ में डिवाइड नहीं करना है जरा ध्यान दो तो इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू लिखूंगा मैं यहाँ पे फिर यहाँ पे हम ये कॉपी कर लेंगे √2 अब इसको ऊपर लेके जाएंगे डिवाइड है ना तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा हम लोगों को तो क्या करेंगे 2√2 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा 1 कर दूंगा तो अब ध्यान दो तो क्या आएगा अब इसके अगले स्टेप में ये एक मिनट ये जब हम लोग लिखने के टाइम पे ये यहां से रिवर्स होएगा मल्टीप्लिकेशन होएगा तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा 1 लिख के ये नीचे आएगा 2√2 ठीक है तो अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगा ये 2 हो जाएगा और फिर 2 ठीक है इनटू √2 इनटू √2 तो ये कितना हो गया भाई 2 हो गया √2 इनटू √2 विल बिकम 2 इनटू 2 तो कितना हो गया ये 2 अपॉन 2 2 = 4 ठीक है ना तो अब
अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इसको कट कर देंगे, 2 1 2 और 2 2 4, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया 1/2। तो therefore we can say that ये जो पूरा इक्वेशन है इसको यहाँ पे लिख दो आप, sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta is equal to 1/2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आया है इसका 1/2। चलो फ्रेंड्स इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है, if tan theta is equal to 1 then find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो मैंने क्या बोला था क्लू हम लोगों को ढूंढना है, तो tan theta is equal to 1 यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग ने क्लू क्या लगाया कि ये क्या होएगा 45 डिग्री होएगा, बराबर जो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था उसके हिसाब से हम लोगों ने ये तो लेके आए। बट अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये वाला लेंगे हम लोग 1 plus tan square theta, ये हम लोगों ने डाला, हम लोगों ने sec पे अराइव हुए, फिर उसके बाद में cos क्या होता है इसका रिवर्स होता है, तो हम लोगों ने इसको 1/√2 बता दिया, फिर उसके बाद में हम लोगों को cos मिल गया, अब हम लोगों को क्या चाहिए भाई sin चाहिए, तो sin के लिए हम लोगों ने ये वाला अप्लाई किया और इसको ऐसे सॉल्व किया, बराबर ये रूट टू वाला फंडा समझ में आया ना क्या था ये यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है बट 2 का कोई स्क्वायर नहीं है, तो मतलब 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट टू। फिर उसके बाद में हम लोगों ने कॉसेक भी बता दिया कैसा कि ये 1/sin का रिवर्स है करके, तो ये रूट टू हो गया, फिर उसके बाद में ये सॉल्व करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो नॉर्मली हम लोगों ने थोड़ी देर पहले वैल्यूज फाइंड की थी उसको सबको पुट करके इक्वेशन बनाया, फिर उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये डिनोमिनेटर इन दोनों का कॉमन होने की वजह से ये दोनों प्लस हो जाते हैं, तो 1 + 1 हो जाएगा अपॉन रूट टू हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा। अब हम लोगों को ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ये इनटू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2, फिर ये आगे का तो आपको आता ही है। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल मोर एंड मोर, थैंक यू, जय हिंद।